आईएमडीबी पर मोरबियस मूवी की रेटिंग अच्छी नहीं गई है, साथ ही साथ वहां पर लोगों ने अपने रिव्यू के अंदर इस मूवी की बहुत ज्यादा बुराई की है, क्योंकि यार इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों की। जिस तरीके का ट्रेलर हमारे सामने आया था उस वक्त तो मैंने भी बहुत ज्यादा उम्मीदें इस मूवी से लगा ली थी। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मोरबियस मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 1 घंटे 40 मिनट के आसपास है, और इस मूवी को प्रोड्यूस यानी फिर बनाने वाले में सोनी और मार्वल यानी मार्वल वालों का ज्यादा हिस्सा है इस मूवी में। तो यहाँ पर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि यार मार्वल की जैसे हमने लास्ट जो मूवी देखी थी स्पाइडरमैन नो वे होम, तो बहुत जबरदस्त वो मूवी रही थी, और जब मोरबियस का ट्रेलर आया था इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी, क्योंकि ट्रेलर सच में बहुत ज्यादा पसंद आया था। जिस तरीके का ये करेक्टर दिखाया गया था मोरबियस, बहुत ज्यादा डरावना खतरनाक हमारे सामने आने वाला है, तो ऑब्वियसली हम ये सोच रहे थे कि यार मूवी जो है वो धमाका करने वाली है। कहानी की बात कर लेते हैं पहले, मोरबियस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है माइकल मोरबियस, उसको एक बीमारी होती है, लेकिन अचानक उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं या फिर कहीं कि उसके पास पावर आ जाती हैं। वो कहाँ से आती हैं सब चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, और जब इसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिससे ये अपने आप को भी ठीक कर पाता है, लेकिन एक इसके पीछे ड्रॉबैक ये होता है कि इसको अपने आप को जिंदा रखना है तो इसको खून पीना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस मूवी में देखने को मिलती हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा एक वैम्पायर वाला इसके अंदर थीम रखी गई है। जितनी मैंने वैम्पायर वाली मूवी देखी है उनके अंदर एक डार्क एक बहुत ज़्यादा वॉयलेंस वाली एक मूवी आती है वो, लेकिन इस मूवी में वो ड्रावनापन वो वॉयलेंस है ही नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी भाई साहब इस मूवी की। इतना ज़बरदस्त करेक्टर है मोरबियस का, लेकिन उस पावर का या फिर उस पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं किया गया है। मूवी की जब शुरुआत होती है तब नो डाउट हमें ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि यार एक हमें क्यूरियोसिटी होती है ना देखने की, यार इस इंसान के पास ये पावर कैसे है, इसको क्या बीमारी थी और पावर आई थी, इसने कंट्रोल कैसे किया, कैसे चीज़ों को अपने अंदर काबू करके रखा। तो ये सारी चीज़ें देखने में तो इंटरेस्ट आता है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। रीज़न ये क्योंकि इसके अंदर करेक्टर डेवलपमेंट है ही नहीं। यार इतनी ज़्यादा निराशा हुई कि मुझे इस मूवी के अंदर, जिससे हमें इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे थे, वहाँ पर हमें करेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। बीजीएम जो है इसका वो भी हमें इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा इस मूवी की लास्ट की फाइट देखकर। यार क्या था यार वो, सच में क्या था, इतना इतना खराब कैसे यार रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मार्वल है या सच में, जिससे हमने लास्ट स्पाइडरमैन नो वे होम देखी थी वो, और सोनी यार कमाल की बात है, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की मूवी हमारे सामने रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऑडियंस से कनेक्ट ये मूवी हो ही नहीं पाती है। इमोशनल एंगल भी दिया गया है इसके अंदर, लेकिन वो यार देखकर लगता ही नहीं वहां पर हमें इमोशनल यानी भावुक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सच कहा ना, जो एक ऑडियंस और मूवी के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो है ही नहीं इस मूवी में। बस सामने चल रही है बिना कुछ भी स्क्रीन, जो हमारे सामने स्टोरी राइटिंग है वो भी सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं की है। तो इतनी ज़्यादा निराशा हुई है ये मूवी देखकर। VFX सही लगे हैं, कोई इतनी ज़्यादा बढ़िया VFX मैं भी नहीं कहूँगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट की मूवी मैं कह सकता हूँ कि हाँ इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसके बाद इस मूवी में इंटरेस्ट नहीं आता है। जो चीज़ें चल रही हैं वो बस पता नहीं यार क्या सोचकर वो हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई हैं। देखो मैंने कहा ना शुरुआत में, मोरबियस जो करेक्टर है वो इतना बढ़िया करेक्टर है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसका सही से यूज नहीं किया। यार वहां पर वॉयलेंस की जरूरत है, वहां पे बहुत ज्यादा डार्क एक मूवी की जरूरत है, लेकिन यहां पर वो चीजें है ही नहीं। जब इस मूवी का ट्रेलर मैंने देखा था बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा था यार, मैं सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा इस मूवी को इस तरीके से देखते हुए कि यार इसमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, जहां हमें करेक्टर डेवलपमेंट हमें अच्छे से नहीं मिल रहा, स्टोरी टेलिंग सही ढंग से नहीं है, फाइटिंग इसके अंदर सही से नहीं है। तो इतनी ज़्यादा निराशा हो गई है सच में, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है यार इस मूवी को इस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करना। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 3 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि कैसी लगी है, और नहीं देखी है तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये रिव्यू आपकी समझ में आया तो आप अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।